इस बार का अवतार ये सामने सार्वजनिक रूप में हुआ है ना, तो इसका नाम पड़ेगा कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण महाराज की। और गर्गाचार्य कहते हैं कि नंद बाबा ये अपने गुणों से सबको आकर्षण करेगा, तो इसका एक नाम पड़ेगा संकर्षण। और इसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी राम की तरह, तब इसका एक नाम होगा राम, और इसमें अत्यधिक बल होगा, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया दोनों को जोड़कर बलराम। बोलिए बलराम भैया की। आज जो भगवान को देखे गर्गाचार्य नंद बाबा से कहने लगे कि आसन वर्णाश्रयो हास्य गृहतो अनुयुगम तनो शुक्लो रक्त सापीत इदानीं कृष्णांगत। नंद बाबा ये जो रोहिणी के गोद में चंचल बालक है ना, ये बालक पहली बार अवतार थोड़ी लिया है, ये पहले शुक्ल वर्ण कभी रक्त वर्ण न जाने अनगिनत कितने बार इसका अवतार हुआ है, लेकिन इस बार अवतार ये सामने सार्वजनिक रूप में हुआ है ना, तो इसका नाम पड़ेगा कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण महाराज की। तो नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्लॉग टॉक। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं द्वारिका के 7 प्रमुख मंदिरों के, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही नए नए जगहों के ब्लॉग्स लाते रहेंगे, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रुक्मणी मंदिर, माता रुक्मणी के दर्शन के लिए, और जो कि इस यात्रा में हमारा आज का पहला पड़ाव है। और रुक्मणी मंदिर पहुंचकर आपको दर्शन कराएंगे माता रुक्मणी के, साथ ही उस मंदिर के बारे में आपको बहुत सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों रुक्मणी माता का यह मंदिर द्वारिका सिटी में ना होकर द्वारिका मेन सिटी से लगभग 2 किलोमीटर बाहर की ओर स्थित है। तो हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं रुक्मणी माता के मंदिर, जो कि आपको सामने वहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये है रुक्मणी माता का मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानी रुक्मणी देवी को समर्पित है, जो कि द्वारिका मेन सिटी से लगभग 2 किलोमीटर बाहर इस जगह पर स्थित है। तो चलिए मंदिर के पास चलते हैं और आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं मंदिर परिसर में ढेर सारे कबूतर हैं यहाँ पर, और लोग उनको यहाँ पर फीड करा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा है माता रुक्मणी का यह सुंदर मंदिर, जो कि आज से लगभग 2 से 2.5 हजार साल पुराना बताया जाता है। तो चलिए अंदर चल के माता के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी को यहाँ के पुजारियों द्वारा यहाँ की महत्ता, यहाँ की पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताया जाता है। तो इस मंदिर परिसर में आते ही आपको सबसे पहले दर्शन होंगे यहाँ पर श्री हनुमान जी के, जो कि यहाँ पर चौकी वाला हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि रुक्मणी मंदिर के ठीक बाहर यहाँ पर स्थित है। दोस्तों अभी हम रुक्मणी माता के दर्शन करके मंदिर के बाहर भी आ चुके हैं, और क्योंकि मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा पाया। और क्योंकि माता रुक्मणी जो थी वो लक्ष्मी माता का अवतार है, तो मंदिर के गर्भगृह में रुक्मणी माता का चतुर्भुजी रूप में सुंदर विग्रह विद्यमान है, जिसमें माता अपने हाथों में शंख चक्र गदा एवं कमल के पुष्प धारण किए हुए हैं। और माता रुक्मणी का यह सुंदर मंदिर जो कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जिसमें देवी देवताओं की विभिन्न मुद्राओं के साथ साथ मनुष्यों एवं हाथी घोड़े की भी संरचना यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं आपको बता दूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भी परिवार के जो सदस्य थे, सभी का मंदिर वहाँ द्वारिकाधीश मंदिर के पास ही उसी परिसर में है। बस यह रुक्मणी माता का मंदिर ही है जो कि उस परिसर से दूर यहाँ स्थित है।
इसका कारण बताया जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी देवी के मन में ऋषि दुर्वासा का अतिथि सत्कार करने की इच्छा हुई थी, तो वे दोनों रथ पर सवार होकर ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण देने पहुंचे। ऋषि ने उनका निमंत्रण तो स्वीकार किया, परंतु उनके सामने एक शर्त रखी कि जिस रथ पर वे आए उसे कोई भी घोड़े या कोई अन्य जानवर नहीं हाँकेंगे, बल्कि उन्हें स्वयं रुक्मिणी और कृष्ण ही हाँकते हुए अपने महल तक लेकर जाएंगे। तो इन्होंने भी ऋषि दुर्वासा की उस शर्त को स्वीकार किया और उन्हें रथ पर बिठाकर स्वयं रथ को हाँकते हुए द्वारिका तक ला रहे थे। परंतु बीच रास्ते में ही रुक्मिणी देवी थक गए और उन्हें जोर की प्यास लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से धरती पर दबाया और उसी स्थान पर गंगा प्रकट हो गई। लेकिन रुक्मिणी देवी से वहाँ पर एक गलती हुई, उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पूछे बिना ही स्वयं वहाँ से जल पीना चालू कर दिया, जिससे कि ऋषि दुर्वासा वहाँ पर नाराज हो गए और उन्होंने माता रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण से अलग होने का श्राप दे डाला। और इस जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसलिए इस मंदिर में जलदान की भी परंपरा है। लोग यहाँ पर अपनी सामर्थ्य अनुसार जलदान करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा था रुक्मिणी देवी का यह मंदिर। फिलहाल मैं यहाँ मंदिर के बाहर कुल्फ़ी के मज़े ले रहा हूँ। तो जब तक मेरी कुल्फ़ी ख़त्म होती है, आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो दोस्तों, अभी हम रुक्मिणी देवी के दर्शन के पश्चात अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं, जो कि है यहाँ का प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर। मंदिर में पहुंचकर अभी हम आपको दिखाएंगे वहां का मंदिर, साथ ही उस मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी भी देंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। मैं आपसे मिलता हूं आगे। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं स्वामी नारायण मंदिर। एक बार ये बस यहां से निकल जाए, फिर अंदर चलकर हम आपको दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। तो दोस्तों, ये है यहां का प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर, जो कि द्वारिका सिटी में ही है, द्वारिकाधीश मंदिर के पास। तो कुछ इस प्रकार से मंदिर बाहर से दिखाई देता है। फिलहाल हम अभी इसके अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। तो दोस्तों, यह मंदिर भी द्वारिकाधीश मंदिर के पास ही स्थित है, समुद्र के किनारे। और यह मंदिर जो है वह भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। यह मंदिर कब बना यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखकर यह कोई प्राचीन मंदिर नहीं लग रहा, यह कोई नया ही मंदिर बनाया गया है यहाँ पर, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हम जा रहे हैं इस मंदिर के अंदर और आप इसकी सुंदरता और भव्यता देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से है मंदिर का यह प्रवेश द्वार। तो यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अपनी बाईं ओर दिखाई देंगे यहाँ पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि एवं शुभ लाभ के साथ। उसके ठीक विपरीत दिशा में यहाँ पर दाहिनी ओर हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो यहाँ मंदिर के बाहर गणेश जी और हनुमान जी को प्रणाम करके हम अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, मंदिर जो बाहर से जितना सुंदर था, उतना ही सुंदर अंदर से भी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और मंदिर की छत पर जो ये कलाकारी यहाँ पर की गई है वो देखते ही बन रही है। और यहाँ पर ठीक सामने घनश्याम जी महाराज और यहाँ मंदिर के अंदर बहुत सारे कक्ष हैं, जिनमें बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा विराजमान है। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं एक एक करके।
तो सबसे पहले इस कक्ष में हैं भगवान नरसिंह, और उसके बाद यहाँ पर हैं भगवान गोविंद, भगवान विट्ठल, और यहाँ पर है वेद माता गायत्री, और यहाँ भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण एवं हनुमान जी के साथ। और इस कक्ष में है भगवान राधा कृष्ण, और यहाँ पर भी भगवान की मूर्तियाँ हैं। और इस कक्ष में है भगवान वेंकटेश्वर, और यहाँ पर हैं देवशिल्पी विश्वकर्मा, और इस कक्ष में भगवान दत्तात्रेय, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है ये भगवान स्वामी नारायण मंदिर। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अब बाहर, और बाहर से मंदिर कैसा है ये आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ मंदिर के पीछे, मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है मंदिर का भव्य शिखर। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है भगवान का यह सुंदर मंदिर। अब चलिए आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं अपने इस यात्रा के अगले पड़ाव की ओर, जो कि है भगवान सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि द्वारिकापुरी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो चलिए वहां चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं भगवान सिद्धेश्वर महादेव के। तो हम फाइनली आ पहुँचे हैं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, और अंदर चलकर अभी आपको दर्शन कराएंगे भगवान सिद्धेश्वर नाथ के। तो दोस्तों अब हम प्रवेश कर रहे हैं भगवान सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में, और यहाँ सामने है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ मंदिर प्रांगण में आपको सबसे पहले ही दिखाई दे गए बड़ा सा वट वृक्ष, जिसकी जड़ों को देखकर आप इसकी आयु का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी वट वृक्ष के नीचे यहाँ पर है एक कुआं, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको अब दर्शन कराते हैं सिद्धेश्वर महादेव के। और यहाँ पर है सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ इसका प्रवेश द्वार बना हुआ है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं महादेव के। तो दोस्तों यहाँ पर है मंदिर का यह गर्भगृह, जिसके अंदर भगवान सिद्धेश्वर नाथ विराजमान हैं। तो चलिए आपको पास से दर्शन कराते हैं सिद्धेश्वर महादेव के। तो यहाँ से आप सभी दर्शन कीजिए सिद्धेश्वर महादेव के। ओम नमः शिवाय।
दोस्तों कुछ इस प्रकार से है भगवान सिद्धेश्वर महादेव का यह मंदिर, जिसमें गर्भगृह से निकलने के बाद यहाँ पर आपको दर्शन होंगे श्री हनुमान जी के एवं कुबेर जी महाराज के। और गर्भगृह के ठीक सामने यहाँ पर नंदी महाराज विद्यमान हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी शलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाद्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चिता शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों यहाँ पर अब शिव जी को प्रणाम करके चलते हैं इस मंदिर के बाहर। तो चलिए अब इस मंदिर की और भी बाकी जगहों को आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे ही आप सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करके बाहर आएंगे तो आपको सामने यहाँ पर दिखेगा यह सुंदर सा हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी की बाल प्रतिमा विद्यमान है। तो यहाँ आप भी दर्शन कीजिए भगवान हनुमान जी के। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हैं कुछ यहाँ पर साधु संतों एवं ऋषि मुनियों की समाधियाँ। तो चलिए आपको वहाँ चलकर आपको दर्शन कराते हैं इनके। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग साधु संतों की अलग अलग समाधियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं। और यहीं पर ये है बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष, इसकी भी यहाँ पर पूजा की जाती है। और यहाँ पर एक छोटा सा बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसके अंदर शिवलिंग विद्यमान है। तो दोस्तों चलिए यहाँ से चलते हैं और बढ़ते हैं अपने आज की यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर के पास, जो कि समुद्र के किनारे ही स्थित है, आप देख सकते हैं। और यह मंदिर ठीक गांधी मेमोरियल के पास है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर का शिखर यहाँ से दिखाई दे रहा है। और यहाँ इस मंदिर के ठीक बगल में सनसेट पॉइंट है। और इसी परिसर में है यहाँ पर यह पंचमुखी हनुमान मंदिर। ओम अंजनी सुताय अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्याम नमः, ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम नमः, ओम अग्निगर्भाय अनामिकाभ्याम नमः, ओम रामदूताय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम पंचमुख हनुमते करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। और दोस्तों इसी परिसर में पंचमुखी हनुमान मंदिर के बगल में यहाँ पर है ये गायत्री शक्तिपीठ। तो चलिए यहाँ अभी अंदर चलते हैं और आपको कराते हैं माता गायत्री के दर्शन। तो दोस्तों अंदर से कुछ इस प्रकार से है माता गायत्री का यह शक्तिपीठ। और यहाँ पर मेरे ठीक सामने है यहाँ मंदिर का गर्भगृह। और यहाँ पर माता गायत्री, माता सावित्री एवं माता कुंडलिनी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर मंदिर में जब आप माता गायत्री के दर्शन कर यहाँ बाहर आते हैं तो आपको दिखाई देता है कुछ इस प्रकार का नज़ारा। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में हम आपको टोटल द्वारिका के 6 मंदिरों के दर्शन करा चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर और आपको दिखाते हैं
भगवान भड़केश्वर महादेव का मंदिर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भड़केश्वर महादेव मंदिर के पास, और चलिए चलकर आपको दर्शन कराते हैं भड़केश्वर महादेव के। तो दोस्तों आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, यही है भड़केश्वर महादेव का मंदिर, जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले इस जगह पर प्रकट हुआ था। तो दोस्तों ये है भड़केश्वर महादेव का मंदिर, जिसे चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, और शिवरात्रि के समय यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। साथ ही यहाँ पर बरसात के समय में यह स्थान जलमग्न हो जाता है, जिसे कहा जाता है कि समुद्र देव भगवान का स्वयं अभिषेक करने के लिए आए हैं, तथा कुछ देर बाद यह नॉर्मल हो जाता है। मंदिर की टाइमिंग की अगर बात की जाए तो यह मंदिर दर्शन हेतु दिन भर खुला रहता है, लेकिन अभिषेक सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ही होता है, और इसके अलावा हर शाम को यहाँ पर सूर्यास्त का नज़ारा देखने लायक होता है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर सूर्यास्त कुछ देर बाद होने ही वाला है, तो हम आपको सूर्यास्त का नज़ारा भी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर अभी आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सूर्यास्त देखने के लिए। तो जैसे ही सूर्यास्त होगा हम आपको सूर्यास्त भी दिखाएंगे, फिलहाल आप दर्शन कीजिए भड़केश्वर महादेव के। तो दोस्तों यहाँ मंदिर के अंदर भगवान भड़केश्वर महादेव लिंग रूप में विद्यमान हैं, आप भी दर्शन कीजिए भड़केश्वर महादेव के। जय हो महादेव। और मंदिर के सामने यहाँ पर विद्यमान है नंदी महाराज, साथ में ये कछुआ महाराज। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक हम आपको द्वारिका के प्रमुख 7 मंदिरों के दर्शन करा चुके हैं, और यहाँ पर आज की हमारी यात्रा पूर्ण होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिलहाल कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों फिलहाल अभी आप मेरे साथ यहाँ पर एंजॉय कीजिए इस सनसेट के नज़ारे को, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। तो मैं अभी यहाँ पर वेट कर रहा हूँ सूर्य देव के पानी में डुबकी मारने का, आप भी यहाँ पर मजे लीजिए इन नज़ारों के। Thank you.
चलो ठीक है रखो हमें और देख लो तो दोस्तों फ़िलहाल अभी यहाँ पर सनसेट हो चुका है ख़त्म, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने होटल। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके बिना किसी रोक टोक के। अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने वहाँ पर ढेर सारी शंखों की स्टॉल देखी थी, तो मुझे वहाँ पर कुछ गरुड़ शंख दिखाई दिए थे जो कि मुझे चाहिए था, लेकिन वहाँ पर सारे के सारे छोटे छोटे शंख थे। तो चलकर उनसे पूछते हैं कि उनके पास कोई बड़ा सा शंख है या नहीं, अगर होगी तो हम उसे यहाँ से लेकर जाएंगे अपने साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है यह गरुड़ शंख, जिसे चंद्र शंख भी कहा जाता है। इसे बजाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो देखते हैं ये मेरे से बजता है या नहीं। तो चलिए बजाकर देखते हैं, इसे बजाने में अच्छों अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, तो मुझसे ये बजता है या नहीं। तो पहली बार में तो ये मुझसे नहीं बजा, दोबारा ट्राई करते हैं। तो दोस्तों इस बार भी ये मुझसे नहीं बजा, चलिए एक बार और ट्राई करते हैं और इस बार ये फाइनल होगा। फाइनली मैंने बजा लिया। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, और ये आ गए हमारे होमेश भाई। चलिए जानते हैं इनसे कि आज की यात्रा इनको कैसी लगी। तो बताइए होमेश भाई। अभी हम लोग देखे हैं और बहुत ही अच्छा हमारा यात्रा रहा। अब हम घर जाएंगे, अपने अपने रूम जाएंगे, होटल मिलते हैं इलेक्ट्रॉन में। अब तक के लिए बाय बाय। I'm not afraid of the dark.